वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फोर्थ के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन आंसर बताऊंगी इसके कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे लिखोगे। तो बच्चों, पहले इस चैप्टर के लिए आप सभी का चारों डायरेक्शन को पहचानना ज़रूरी है कि इन्हें कैसे पहचाना जाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं ना कि चार डायरेक्शन होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब देखो इनकी पहचान कैसे करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि सूरज हमेशा पूरब से उगता है, पूरब से निकलता है। अब देखो, आप सभी ये भी जानते होंगे कि हमारे घर की कौन सी साइड से सूरज निकलता है और कौन सी साइड पर जाकर सूरज डूबता है। सभी इतनी बात तो जानते हैं। तो अगर हम जिस जगह से सूरज निकलता है अपने घर के उस डायरेक्शन में खड़े हो जाएँ फेस कर सूरज की तरफ, तो वो डायरेक्शन हमेशा पूरब होगी, सीधे हाथ की तरफ दक्षिण होगा, उल्टे हाथ की तरफ होगा उत्तर, और जिधर हमारी कमर होगी वो डायरेक्शन पश्चिम होगी। तो बच्चों, इस कंसेप्ट को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, अदरवाइज़ आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और ना ही आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को इजीली फिल कर पाओगे। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली से सबसे दूर कौन सी जगह है और कौन सी दिशा है। तो देखो, ये बात याद रखना कि दिल्ली से सबसे दूर कन्याकुमारी है और दिशा जो है वो दक्षिण है। मैप के अंदर अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो बच्चों, मैप में डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, इधर पूरब, पश्चिम, ऊपर की साइड उत्तर और नीचे की साइड होता है दक्षिण। तो देखो, जो दिल्ली है वो इस जगह पर है। देखो, इस पॉइंट के पास लिखा है नई दिल्ली, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूर कौन सा राज्य है दिल्ली से, वो है कन्याकुमारी। और दिशा कौन सी है बच्चों, सबसे नीचे की साइड है दक्षिण है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिल्ली की सबसे पास जगह बतानी है और दिशा बतानी है। तो निकट स्थान होगा जम्मू तवी और दिशा होगी उत्तर। ये देखो बच्चों, मैप के अंदर ये आ गया नई दिल्ली और ये आ गया जम्मू तवी यहाँ पर, और ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर होगी। अब देखो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको इस स्लैब को देखना है। यहाँ पर देखो नगर दिए गए हैं, इन नगरों के अंदर जो दिल्ली से सबसे ज़्यादा पास है उसे सबसे पहले लिखोगे और जो सबसे ज़्यादा दूर है उसे सबसे लास्ट के अंदर लिखोगे। तो सबसे पास है पहले नंबर पर 580 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू तवी, दूसरे पर 1407 किलोमीटर पर मुंबई, फिर तीसरे पर कोलकाता, चौथे पर हैदराबाद, पाँचवें पर गुवाहाटी, छठे पर बेंगलुरु, सातवें पर चेन्नई, और सबसे लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा दूर दिल्ली से है कन्याकुमारी। तो आंसर लिखना सबसे पहले जम्मू तवी, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, चेन्नई और कन्याकुमारी। अभ्यास का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा नगर गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों, जयपुर है। कोलकाता नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो हुगली तटी के नदी के तट पर स्थित है कोलकाता। आगे है श्रीनगर किस राज्य की राजधानी है, तो बच्चों श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। अब है भारत में कौन सा नगर सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर है, तो आंसर होगा बेंगलुरु। अब बच्चों देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ राज्य दिए गए हैं, आपको उन्हें उनकी राजधानी से मैच करना है। जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, तमिलनाडु की चेन्नई, राजस्थान की जयपुर, कर्नाटक की बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। अब बच्चों यहाँ पर है फिलिप्स, तो श्रीनगर की डल झील विश्व प्रसिद्ध है। प्रायद्वीप तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। मुंबई महानगर में हिंदी फिल्में बनाई जाती हैं। आगे है दुर्गा पूजा पर कोलकाता में धूमधाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो आप एग्ज़ाम में लिखोगे कि भूमि का वे भाग जो कि तीनों ओर से पानी से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। अब है किस राजा के नाम पर नगर का नाम जयपुर पड़ा था, तो देखो बच्चों, राजा सवाई सिंह, राजा सवाई जय सिंह के नाम पर नगर का नाम जयपुर पड़ा। अगला है मुंबई नगर किस सागर के तट के ऊपर स्थित है, तो देखो बच्चों मैप के अंदर ये रहा मुंबई और इधर की साइड है अरब सागर, तो आंसर के अंदर लिख दोगे अरब सागर। अब देखो इन सभी राज्यों को आपको मैप के अंदर शो करना है कि कौन सा राज्य मैप में कहाँ पर है, तो आप इसके लिए इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेंगे। ये है देखो श्रीनगर, दिल्ली, जयपुर,
कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु, चेन्नई। ठीक, सभी बच्चे याद से इसको फिल कर देंगे। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर होगा अहमदाबाद, गेटवे ऑफ इंडिया बच्चों मुंबई के अंदर है, है ना। अगला है, हैदराबाद किस वस्तु के व्यापार के लिए मशहूर है, तो आंसर होगा हीरे व मोती।